पौली पुलिस थाना अंतर्गत एक दुकान में घुसकर चोरी करने वाले दो आरोपियों को पांच पौली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस मामले में चोरी हुआ पूरा सामान पुलिस द्वारा जब्त कर लिया गया है। स्वैगवियर नामक एक कपड़े की दुकान में कुछ चोरों ने ताला तोड़कर चोरी की है। दुकान मालिक 14 मई को 9:30 बजे दुकान बंद कर घर चला गया। इसी दौरान एक अज्ञात व्यक्ति ने रात में वादी की कपड़े की दुकान के शटर तोड़ दिए और दुकान में घुसकर चोरी कर ली। इस मामले की रिपोर्ट दर्ज करते ही पुलिस ने जांच शुरू की। जांच के दौरान एक खबरी के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई थी कि अशोक नगर चौक हसनबाग में एक व्यक्ति जुपिटर गाड़ी से घूम रहा था। जानकारी मिलते ही पुलिस कर्मचारियों ने दो संदिग्धों को हसनबाग नंदन क्षेत्र में घूमते देखा। आरोपी अमीन सलीम पठान और शेख सोहेल शेख फारूक, इन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया है और उनसे चोरी का पूरा सामान जब्त कर लिया गया है। दिनांक 14/5/2022 रोजी सनीचरा मार्केट कृष्णा सावजी हॉटेल के बाजू है। स्वैग वेअर नावाचे कापडाचे दुकान आहे। कापडाच्या दुकानामध्ये 14/5 ते 15/5 दरम्यान शटरचा कुलूप तोडून आत्मप्रवेश करून चोरी झालेली होती। त्यामध्ये 645/22 + 380/457 बादीवाने गुन्हा दाखल करण्यात आलेला होता। त्या गुन्ह्यातील आरोपी हे हसनबाग नंदनवन परिसरामध्ये असल्याबाबतची माहिती मिळाली होती। त्यावरून शेख सोहेल उर्फ बिट्टू वर्द शेख फारूक राहणार ताजबाग सक्करदरा याला आणि एक विधी संघर्षग्रस्त बालक यांना ताब्यात घेण्यात आले होते। त्याच्यामध्ये यांनी तपासादरम्यान 48,450 रुपयाचा मुद्देमाल, त्यामध्ये घडी, शूज, हाफ पॅन्ट, जीन्स पॅन्ट असे कपड्याचे आहेत, ते मुद्देमाल रिकवर करण्यात आले। त्याच्यामध्ये आणखी दोन आरोपी हे फरार आहेत, शेख तारिक शेख करीम म्हणून आणि दुसरा शेख सोहेल उर्फ भांजा शेख मुख्तार राणा ताजबाग फरार आहेत आणि पुढील तपास त्याच्यामध्ये सुरू आहे। जे अटक आरोपी आहे त्यांच्यावरती आधीसही काही गुन्हे वगैरे निष्पन्न झाले? अटक आरोपी आहे त्याच्यावर गुन्हा नाही आहे आणि विधी संघर्षग्रस्त जो तो बालक ताब्यात घेतला होता त्याच्यावर पण नाही आहे, पण बाकी जे फरार आरोपी आहेत त्यांच्यावर गुन्हे दाखल आहे। VKB न्यूज के लिए कॅमेरा पर्सन रोशन बोकडे के साथ वैदेही चव्हाण की रिपोर्ट।